नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिगड़ते वायु प्रदूषण के कारण पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में 11 मिलियन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी खतरे के बारे में चिंता जताई है। बता दें कि पिछले महीने से पंजाब के 17 अन्य जिलों के साथ पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर में जहरीला धुआं छाया हुआ है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबेबो सुब्रियांतो ने फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। कॉल पर राष्ट्रपति प्रोबेबो ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि यदि संभव हो तो सर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहूंगा। आप जहां भी होंगे मैं पहुंचूंगा और आपको मिलकर बधाई दूंगा। महाराष्ट्र के चिमूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस ने विकास को बाधा पहुंचाने में डबल पीएचडी कर रखी है। केरल सरकार ने आईएएस अधिकारी गोपाल कृष्णन को कथित रूप से आचरण उल्लंघन के लिए सस्पेंड कर दिया है। गोपाल कृष्णन पर आरोप है कि उन्होंने धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। बता दें कि उन्होंने मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। वहीं सीआरपीएफ कांस्टेबल संजीव कुमार को गोली लगी है, जहां मारे गए उग्रवादियों के पास से 3 AK-47 राइफल, 4 SLR-2 इंसास, 1 RPG, 1 पंप एक्शन गन, BP हेलमेट और मैग्नीज बरामद की गई है। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग की जांच पर सियासी हंगामा शुरू हो गया है। शिवसेना ने बैग जांच करने पर सवाल उठाया तो अब चुनाव आयोग ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी सियासी दलों के शीर्ष नेताओं के विमान और हेलीकॉप्टर की जाँच की जाती है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। अदालत ने कहा कि पटाखों पर बैन को दीपावली से ही क्यों जोड़ा जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि शादियों और चुनाव में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नाना पटोले ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया था। अब उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि वे निराशा की ओर जा रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार से मांग की है कि गरीब, बेरोजगारी व महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति का होना चाहिए। हाजीपुर रेलवे जोन के 5 रेल मंडलों में अब फेसबुक और एक्स पर ट्रेन की खाली सीटों की जानकारी दी जाएगी। यात्री 4 घंटे पहले ट्रेन की खाली सीटों के बारे में जान सकेंगे। रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद खाली सीटों की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। दिल्ली में लगातार बाहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। ताजा मामले में नए रूट पर बस सेवा की शुरुआत की गई है। इसमें रिठाला मेट्रो स्टेशन से औचंदी बॉर्डर जाने के लिए बस सेवा शुरू की गई है। इससे दरियापुर गांव, औचंदी गांव और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 5 नगर निगमों, 42 नगर काउंसिल और 45 वार्डों में चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और सरकार को 15 दिनों के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब उन पर भरोसा नहीं कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में एक सड़क हादसे में 6 युवक युवतियों की जान चली गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में 3.50 लाख नए घर बनवाने को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2020 से पहले अनुबंध के आधार पर नियुक्त सैकड़ों वन रक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन वन रक्षकों को 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करते ही 31 दिसंबर 2022 से बिना किसी भेदभाव के नियमित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही संशोधित वेतनमान का लाभ देने का भी निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक धार्मिक समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक घर की दीवार गिर जाने से 13 लोग घायल हो गए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड बंगाल में ईडी की रेड, अवैध हथियार, जाली पासपोर्ट, आधार सहित कई सामान हुआ बरामद।
शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र से बाहर पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। अगर बालासाहेब महाराष्ट्र से बाहर पार्टी का विस्तार करते तो जरूर इसका फायदा होता। राजस्थान के जयपुर में मीना समुदाय के दो लोग एक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। दरअसल एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोनों मोबाइल टावर पर चढ़ गए थे। गेल इंडिया लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट galonline.com पर जाकर 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।